गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे टूर का 7th डे है और आज हम लेह से जा रहे हैं नुब्रा वैली। लेह से निकलते ही आपका इनर लाइन परमिट चेक पोस्ट आता है, जहां आपको अपना परमिट चेक करवाना होता है। बिना इस परमिट के आपको लेह से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यदि आप लेह से आगे नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, हेनले आदि एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा। ये परमिट आप लेह पहुंचकर डीसी ऑफिस से भी बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन lahdclehpermit.in से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको 400 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगेगा और साथ ही 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एनवायरमेंटल फीस भी पे करने होंगे। ये परमिट इंडियंस के लिए 3 वीक्स और फॉरनर्स के लिए 1 वीक के लिए वैलिड होता है। इस समय हैं हम साउथ पोलू में, लगभग 50 मिनट लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और ये सामने आपको सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ आपको अपने एंट्री करनी पड़ेगी, अपना डिटेल, बाइक नंबर, नाम, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, हाय। तो काफ़ी बाइकर्स वगैरह है इस समय यहाँ पर और सब जने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं सॉरी डिटेल्स एंट्री करने के लिए। और ये सामने देखिए, अभी खरदुंगला पास तक पहुंचने के लिए हमारे को लगभग 1 घंटा और लगेगा। इसमें स्नोफॉल शुरू हो रही है तो ये देखिए सारी स्नोफॉल, और आगे भी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लगता है कि स्नोफॉल ज़्यादा होती जाएगी। हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे तेज हवाएं चलते जा रही है। और लगता है ये टूरिंग स्टार्ट हो गई है, अभी तो फिर एकदम हो गया फर्स्ट क्लास को। देखते हैं कितना पैसे ये सारा। इस समय हम पहुंच गए हैं खरदुंगला, जो कि 17,982 फीट पर वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। बर्फ हो रही है और काफी हो रहा है, सारा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, अभी पीछे तक जाम लग गया। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण लोगों को अक्सर यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप भी यदि यहाँ आए तो ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर साथ लेके आए और AMS की अपनी दवाएं मेडिसिन साथ रखें। जाम लगा पड़ा है सारे ने। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हो, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर, चारों तरफ हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और सारा रोड जाम पड़ा हुआ है। वाओ, फोग फोग हो गया है सारे में। देखी तो शिट, ऑफ रोडिंग आ गई है, ऑफ रोडिंग। वाओ, स्नो जोन हो चुका है स्टार्ट। अब तो साइड में चलाते हुए भी डर लग रहा है, खाई की तरफ अपने पहाड़ की तरफ चलते चलो साइड में। वाह, ये देखो जी बर्फ ही बर्फ, वाह क्या बात है, बड़ी ख्वाहिश थी कि बर्फीले पहाड़ ऐसे देखे एकदम। ये देखो जी बर्फ,
ग्रेट। फॉग देखो कैसे उड़ रही है, धुंध एकदम। ये देखो धुआं कैसे निकल रहा है, तेरी तो झटका लगा। रोड और बीच बीच में मिक्स चल रहे हैं, कहीं थोड़ा सा पैच रिंग आ जाता है तो कहीं ठीक ठाक रोड आ जाता है। ऐसे आगे खदूंगा के बाद, उससे पहले अच्छा रोड था सारा, बाकी आपका मिक्स रोड चल रहा है। जैसे देख रहे हैं आप गड्ढे हो रहे हैं काफ़ी रोड में। साउथ कुल्लू चेक पोस्ट के बाद दूसरा चेक पोस्ट नॉर्थ कुल्लू में आता है और इसके बीच में आपको लगभग 26-27 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग मिलेगी और रास्ते में आपको काफ़ी गड्ढे भी मिलेंगे। अब स्लो शुरू हो गया, डाउन जा रहा है। नोबा की तरफ जाएंगे तो मीच रोड जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट जो खरदूला का पीछे रहेंगे। अब धीरे धीरे बर्फ भी कम होती जा रही है सारी, देखो बर्फ भी खत्म हो गई अभी और रोड भी बढ़िया शुरू हो गया, फिर ठीक ठाक हुआ गया, कंडीशन अच्छी है रोड की। खलसर पार करके अब थोड़ा हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ से नुब्रा वैली लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, यानी कि हम लगभग 1.5 घंटे में नुब्रा वैली पहुँच जाएंगे। तो पहले हम जाएंगे दिस्कित मोनेस्ट्री और उसके बाद हम जाएंगे हुंडर सैंड ड्यून्स। ये देखो यहाँ पर सारा सैंड है, तो लोग बाइक वगैरह पे चला रहे हैं अपने साइंस पे, सारा ही दिखते हैं। और ये अब हम पहुंच गए बुद्धा स्टैचू पे और ये शायद एंट्री टिकट लगेगी, यहाँ पर एंट्री टिकट्स है। सामने से मोनेस्ट्री का एंट्रेंस है और ये जहाँ एग्जिट का बोर्ड लग रहा है इसके सामने टिकट काउंटर ही है आपका। यहाँ से ये सोविनियर शॉप्स वगैरह है आप, और इस मोनेस्ट्री में रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट भी है, तो आप रूम्स चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, रूम्स अवेलेबल है। ये देखिए सामने
चीपर होटल एंड रेस्टोरेंट आर अवेलेबल एट दिस मोनेस्ट्री। ठीक है, तो काफ़ी स्पेशियस साफ सुथरी जगह है, अच्छा स्पेशियस मोनेस्ट्री है। अगर आपको रूम्स वगैरह यहाँ मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। हम भी शायद ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, अगर रूम्स अवेलेबल है मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स अच्छी बात ये है कि हमें मोनेस्ट्री में रूम मिल गए हैं यहाँ पर, और थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर के हम यहाँ से जाएंगे। अब अंदर जाने का प्रोग्राम है पहले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मोनेस्ट्री में ही है, आपको रूम मिल रहे हैं। सामने बुद्धा स्तूपा है, बुद्धा स्टैचू दिखाते हैं आपको और रूम भी दिखाते हैं आपको यहाँ का। तो 1400 रुपये में ट्विन शेयरिंग बेसिस पर रूम मिल रहे हैं, और आपको रूम दिखाते हैं हम यहाँ का। ये देखिए यार व्यू, ये मोनेस्ट्री का व्यू है और ये रूम्स है यहाँ पर। ये रूम्स है, ये जो है ये रूम्स है, और ये देखिए सामने ही ये बुद्धा स्तूपा, बुद्धा स्टैचू सॉरी। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बुद्धा स्टैचू आप यहीं पे है। तो आपको रूम दिखाता हूँ पहले मैं अभी आपका। तो हमें ये रूम मिला है, ये बाइक्स वगैरह खड़ी है सबकी हमारी, ये रूम मिला है 101। ये देखिए जी ये है रूम, काफी स्पेसियस रूम है, ये खुला है ओपन है एकदम, टीवी भी इसमें, और इसका वॉशरूम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है का वॉशरूम, अच्छा है, 1400 रुपये, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मोनेस्ट्री में ही आपको रूम मिल रहा है यहाँ पर। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आप, और ये देखिए सामने बुद्धा का स्टैचू। तो अब हम चलेंगे थोड़ा फ्रेश होकर के हुंडर सेंट जॉन्स में। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रेश होकर के जा रहे हैं हुंडर सेंट जॉन्स। यहाँ से ये हुंडर लगभग 9-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और बेटर है कि आप हुंडर में स्टे करने की जगह डिस्किट में रुके, क्योंकि हुंडर में आपको काफ़ी कॉस्टली रूम्स वगैरह मिलेंगे और कंपेरेटिवली डिस्किट में सस्ते मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो अब हम पहुंच गए हैं हुंडर सेंट जॉन्स, तो पीछे से स्टार्ट हो गए थे, और अगर आप यहां से सीधे जाएंगे तो टुटुक पहुंच जाएंगे, तो राइट साइड पर जाएंगे तो सेंट जॉन्स वगैरह कैमल सफारी के लिए, कैमल सफारी के लिए जाएंगे। तो बिस्किट मोनेस्ट्री से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हार्डली 15 मिनट आपको लगेगा।
आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा, इस साइड से एंट्री नहीं, वहाँ से फाइव राइड वगैरह के लिए आपको बोट्स वगैरह राइड वगैरह सारी आपको रोड के अपोजिट साइड में आना पड़ेगा। अगर उस रोड से आप सीधे निकल जाएंगे तो तुक पहुँच जाएंगे, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो यहाँ पर पार्किंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आज ये पार्किंग एरिया है सारा। कैमल राइड पे जाने के लिए आपको ये एक छोटी सी कैनल है, यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, इस पर इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स अब हम आप पहुँचे हैं हुंडर के सैंड ड्यून्स में, ये आप देख रहे हैं काफ़ी रश है, समय भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और ये फेमस है अपने डबल हम कैमल राइड्स के लिए। ये देखो पूरे वाओ, ये देखिए डबल हम कैमल सामने बैठे, ये देखो कैसे लाइन लग रही है, लंबी चौड़ी भीड़, काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे तो लग रहा है, वेट करना पड़ेगा आपको, वेटिंग में चल रही है। ये मेरे पीछे देखिए आप, देखो डबल हम कैमल्स है, कितनी भीड़ लग रही है इस समय यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए लाइन लग रही है यहाँ पर एकदम। इसके कैमल राइड के चार्जिंग बता रहे हैं कि 300 रुपीज़ है पर पर्सन के। ये बेचारा अपनी माँ से बिछड़ गया है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, रो रहा है बेचारा, देखो माँ देखो जी देखो बिछड़ गया है ये सामने काउंटर है, काउंटर से ये कैमल राइड के लिए आपको टिकट के बाद आपको राइड पे वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही लेके आ रहे हैं। तो इस समय ये आपको एक राउंड करवाएंगे पूरा, ये देखिए आप यहाँ से ला करके, और ये यहाँ से जा करके चक्कर लगा करके, और ये वापस आपको लेकर के जाएंगे जहाँ से आपको बैठाया वहाँ पर। कैमल सफारी टाइमिंग इज 9 AM to 12 एंड 3:30 to 7 PM, और इसका रेट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, अभी आप देख रहे हैं अभी 6:30 बज रहे हैं और आप देखिए लाइन अभी तक कितनी लंबी लाइन लग रही है इसमें, और इसके बाद आपको टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद और सामने जाना पड़ेगा, ये सामने यहाँ पर सफारी के लिए यहाँ पर भी लाइन लगेगी आपकी, और ये जो है भीड़ लग रही है सामने, टिकट के बाद आपको यहाँ से कैमल सफारी के लिए ले जाया जाएगा सफारी के लिए यहाँ पर। और ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू साथ साथ आपको दिखा रहे हैं हम। कैमल राइड के अलावा आप यहाँ पर आर्चरी भी कर सकते हैं, अपने हाथ आजमा सकते हैं आप यहाँ पे आर्चरी पे, ये देखिए